दोस्तों, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। हाँ, माना कि सबके दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान और एक नाक होती है, और ये भी सबकी अलग अलग ही होती है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों के हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। अब आप सोचेंगे ये सारी बातें तो हमें पता है, कुछ ऐसा बताओ जो हमें ना पता हो। तो दोस्तों, चिंता मत करो, क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल ही आपके हिसाब की है, जिसमें मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे यूनिक बॉडी फीचर वाले लोगों से मिलवाऊंगा जिन्हें देखकर आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। हेटेरोक्रोमिया। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी बिल्लियों को देखा होगा जिनकी दोनों आँखों का कलर अलग अलग होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने असल जिंदगी में ऐसी बिल्लियों को देखा हो। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में 5% लोग ऐसे भी मौजूद है जिनके पास इस तरह की यूनिक आंखें होती है, जिसमें उनकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। हालांकि दुनिया में जितनी आबादी है उस हिसाब से 5% काफी ज्यादा मात्रा है, लेकिन अगर बात की जाए आंखों की तो हमेशा ही आंखों का रंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये हेटेरोक्रोमिया क्या है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार आंखों का कलर आयरिस पर डिपेंड करता है, और आयरिस मेलानिन नामक पिगमेंट पर डिपेंड होती है। और दोस्तों, मेलानिन बच्चों के जन्म के एक महीने के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बच्चे हल्के रंग की आंखों के साथ पैदा होते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इस पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आंखों में अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से लोगों की आंखें दो रंग की भी हो जाती हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन के प्रोसेस की वजह से होता है, और इसकी वजह से इंसान को देखने या फिर किसी और चीज में कोई भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, अब आप जब किसी दो अलग अलग कलर वाली आंखों के इंसान को देखें तो उसे देखकर हैरान मत होना, क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। आयरिस कोलोबोमा। दोस्तों, कुछ लोग कपड़ों की दुकान को पूरी तरह से खाली कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो हेलोवीन पार्टी में डरावने दिखें। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को आयरिस कोलोबोमा होता है उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों की आंखें बिल्कुल बिल्लियों जैसी होती है, जिन्हें आम भाषा में हम कैट आई सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनकी आंखों के बीच जो प्यूपिल होता है, यानी जिन्हें हम आम भाषा में आंखों की पुतली कहते हैं, वो गोल ना होकर नीचे की तरफ बड़ी हुई होती है, या फिर किसी भी अजीब से आकार में हो सकती है, जिससे आंख काफी ज्यादा अजीब लगती है, और कोई भी ऐसे लोगों की आंखों को देख कर डर सकता है। उसके साथ ही दोस्तों, बदकिस्मती से जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उन्हें इसके साथ साथ और भी तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसमें किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम सबसे मेन है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, और जब हम रोशनी में होते हैं तो वो छोटी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की बीमारी से जूझने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें रिफ्लेक्शन में काफ़ी परेशानी होती है, और इसीलिए डॉक्टर उन्हें एक स्पेशल तरह के चश्मे रिकमेंड करते हैं। बेबी बॉर्न विद टीथ। दोस्तों, ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो जन्म के साथ ही अपने मुंह में दांत लेकर आते हैं? क्योंकि दोस्तों, अक्सर बच्चों के जन्म के 6 महीने बाद ही दांत निकलते हैं, और जब ऐसा होता है तो नए माता पिता को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चे दांत निकालते समय काफ़ी अलग बर्ताव करते हैं। लेकिन जब बच्चे दांतों के साथ पैदा होते हैं तो ये बात और ज़्यादा चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। उसके साथ साथ ये भी डर होता है कि ये दांत कभी भी गिर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी कोई जड़ नहीं होती, इस वजह से ये दांत कभी भी टूट कर गिर सकते हैं, जो अगर बच्चों के पेट में चले गए तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। इसी वजह से इनका सबसे सही इलाज है कि इन्हें वक्त रहते ही निकलवा दिया जाए। हालांकि थोड़ा दर्द होता है, लेकिन बच्चे के पेट में दांत चला जाए तो उससे तो सही है ना। पॉलीडैक्टाइली। दोस्तों, क्या आपको पता है जब डॉक्टर सबसे पहले किसी बच्चे को उसकी माँ के पेट से निकालता है तो वो सबसे पहले क्या चेक करता है? हाँ, वो यही चेक करता है कि बच्चा सही से सांस ले रहा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों की लिस्ट बनाता है और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखता है, जिसमें वो बच्चों की उंगलियों को भी काउंट करता है, क्योंकि कुछ बच्चे 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियों के साथ पैदा होते हैं। अब जैसे कि आप अपने ऋतिक रोशन को ही ले लो,
और तो और वो भी कम है क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो दुनिया में जन्म लेते हैं जिनकी उंगलियां तो होती है और वो छह की छह आपस में अलग होती हैं और वो उंगलियां कहीं भी हो सकती है, चाहे पैर की हो या फिर हाथ की। उसके साथ ही दोस्तों एक शोध में पाया गया कि जिनकी छह उंगलियां होती है उनकी लाइफ ज्यादा आसान हो जाती है। अब आप सोचेंगे कैसे, अरे उन्हें अपने जूतों के फीते बांधने में एक और उंगली की मदद मिल जाती है ना, वो काफ़ी अच्छे से गिटार बजा सकते हैं, उसके साथ ही वो लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट भी बनते हैं। अरे भाई किसी की भी छह उंगलियां होती है तो उसे देखने के लिए लोग कितने बेताब रहते हैं, ये हम पांच उंगलियों वाले लोगों से ज़्यादा अच्छा कौन समझ पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर छह उंगलियां होने के नुकसान की बात करें तो इतना खासा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे हटवाना चाहें तो बचपन से ही हटा सकते हैं क्योंकि तब ये सिर्फ मांस होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर हड्डियां डेवलप हो जाती है तो ये केवल और केवल सर्जरी से ही हट पाते हैं। और हाँ, अगर आप भी किसी तरह छह उंगली वाले इंसान को जानते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आइग्रोमा ऑफ रिस्ट। अब दोस्तों जिस तरह के स्पेशल बॉडी फीचर वाले की हम बात बताने वाले हैं उस तरह के इंसान को आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जिसमें इंसान की कलाइयों के पास मौजूद हड्डी अपने आप ही निकल जाती है और वो एक बॉल की तरह दिखती है। और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो अपने हाथों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर, म्यूजिशियन, हेयर ड्रेसर वगैरह वगैरह। और अगर आप भी अपने हाथों से काम करते हैं और आपके हाथ की वह हड्डी नॉर्मल लोगों से थोड़ी तो निकली होगी, और जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं तो उनकी हड्डियाँ बॉल की तरह ऊपर उठ जाती है। दोस्तों कभी कभी ये उभरी हुई हड्डी अपने आप ठीक भी हो जाती है, वो भी जब इंसान अपने हाथ से काम करना कम कर दे, जिस वजह से हाथों की कलाइयों पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता और ये परेशानी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने हाथों से काम करना बंद नहीं कर सकते तो आपको ये ऊपर की तरफ उठी हुई हड्डी को हटाना है जिसके लिए आप सर्जरी का इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि सर्जरी की वजह से हड्डी भले ही अंदर चली जाए लेकिन बाकी परेशानी भी आ सकती है। इसलिए अगर आपको अपनी निकली हुई हड्डी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको उस हाथ से कम काम करना ही होगा। अ डेंट इन द ईयर। दोस्तों आप लोगों ने शायद ही कभी नोटिस भी न किया हो लेकिन बहुत से लोगों के कानों के पास या कानों में छोटा सा छेद होता है, हो सकता है ये आपके भी कान में हो जिसे आपने कभी देखा ही नहीं हो। और दोस्तों अगर आपके है तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता। हाँ देखने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, हालांकि इसे भरा भी जा सकता है जिससे ये नॉर्मल लगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास इस छोटे से छेद को भरवाने जाएंगे तो वो आपको पागल समझकर भगा देगा। क्योंकि दोस्तों हल्की फुल्की कमियों के साथ तो जिया जा ही सकता है क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो थोड़ा अजीब लगे। अगर आपकी भी बॉडी में ऐसी कोई चीज़ है तो उसके बारे में हमें कॉमेंट में बता दो। एल्वेन लाइक ईयर्स। दोस्तों आज के इस मॉडर्न जमाने में अगर अब अतरंगी हाथ पैर कान मुंह वाले लोग मिल जाए तो इतनी हैरानी नहीं होती क्योंकि लोग सर्जरी करवाकर अजीब तरह का बॉडी स्ट्रक्चर अपनाते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो क्यों इस तरह के अतरंगी दिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो वाकई इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है जिसमें उनके कान इतने ज़्यादा इधर उधर से बढ़ने लगते हैं कि वो किसी शैतान के कानों जैसे दिखने लगते हैं, और कुछ कुछ के तो इतने ज़्यादा अजीब होते हैं कि उनके पास उनसे छुटकारा पाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। लेकिन दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने शरीर में चाकू कैंची चलवानी पड़े क्योंकि बिना सर्जरी के भी इस तरह की परेशानियों से निपटा जा सकता है जिसमें थेरेपी, मेडिसिन और लेजर ट्रीटमेंट जैसी चीज़ें मौजूद हैं। कोरेक्टोपिया। अब दोस्तों इस तरह की अनोखी आंखों वाले इंसान भी काफ़ी अजीब लगते हैं क्योंकि इनकी आंखों की पुतली बीच में ना होकर आंखों में इधर उधर मौजूद होती हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब आंखों में कोई ख़तरनाक चीज़ एक्सीडेंटली चली जाए या फिर सर्जरी के दौरान हुई गलतियों से भी ऐसा हो जाता है। हाँ दोस्तों ये दिखने में भले ही अजीब लगे लेकिन इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती, बशर्ते जब आंखों में कोई ख़तरनाक चीज़ लगी हो तो वो अंदर तक इफ़ेक्ट ना करे, और इस तरह की पुतलियों को आप आसानी से सर्जरी की मदद से सही करवा सकते हैं। अनयूजुअल बैली बॉटम। दोस्तों बात करते हैं उसकी जो दुनिया में 10% लोगों को होती है, और अगर ये आपके आसपास मौजूद किसी भी इंसान को हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो वो पेट की नली से जुड़े होते हैं, जिस वजह से जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके पेट की नली को कट कर दिया जाता है, और उसी कट करने में जब थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरह के अनयूजुअल बैली बॉटम हो जाते हैं जो दिखने में काफ़ी अजीब से लगते हैं।
और लोगों को इनसे काफी परेशानी भी होती है, जिस वजह से लोग आकर्षक दिखने के लिए इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है और अगर ये आपको है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।